नमस्ते वनकम, मैं सिर्फ अरविंद फिर आया हूँ आपके सामने में एक फेमस डिश लेके, जो साउथ के एक फेमस डिश है जिसका नाम है चेटीनाड चिकन, जो साउथ के तमिलनाडु जगह से आती है। तमिलनाडु छोड़ के दूसरे राज्य में भी ये बहुत अच्छा फेमस है, और चलते हैं ये बनाने हम लोग चलते हैं। तब चेटीनाड चिकन बनाने के लिए थोड़ा हमारा इंग्रीडियंट्स देख लेते हैं, जो है जीरा गोटा, मोहरी जिसको हम लोग सौंफ भी बोलते हैं, गोटा धनिया, लौंग, ब्लैक पेपर, स्टार एनिस, इलायची, सरसों, मेथी, गोटा मिर्च लाल, करी पत्ता, कोकोनट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ऑनियंस, टोमेटो एंड आपका है हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, चिली पाउडर, सॉल्ट और चिकन। पहले हम लोग धनिया गोटा लेते हैं, दो टीस्पून मैंने धनिया लिया गोटा, दो तीन मैंने लाल मिर्च लिया हूँ जो हम लोग हल्के से गर्म करेंगे। ये जो है ये ड्राई मसाला जो हम लोग तवा में थोड़ा गरम कर ले रहे हैं, जीरा गोटा डेढ़ चम्मच, ब्लैक पेपर, स्टार एनिस। स्टार एनिस अगर आप लोगों के पास नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, स्टार एनिस छोटी बनाते हैं। सौंफ एक चम्मच, इलायची मैं थोड़ा सा लेता हूँ चार, और लूंगा लौंग, चार पांच मैंने लौंग लिए है, और इसको हल्का से गर्म करते रहेंगे जब तक ये लाल हो जाएंगे मसाला। इसमें हम लोग ऐड करेंगे कोकोनट जो बारीक कटा हुआ है, साउथ इंडियन डिश में सबसे जो है कोकोनट जाता है, कोकोनट मैंने आप थोड़ा सा दिया कोकोनट। मैं ऐड करूंगा इसमें करी लीव्स, करी पत्ता जिसका फ्लेवर, और ऐड करूंगा ऑनियन जो है मैं छोटा छोटा करके ऑनियन काटा हूँ, इसको मैं दूंगा क्योंकि ये हमारा जो है इसको जब हम लोग पाउडर करेंगे बाद पेस्ट करेंगे तो ये अच्छा से पेस्ट होगा, क्योंकि हम लोग जो बना रहे हैं इसलिए पेस्ट नहीं हो और अच्छा से पेस्ट हो जाए। तो इसको हम लोग हल्के तवा में गर्म कर देंगे, हल्का हल्का गर्म हो रहा है ये, और ये लाल होते तक इसको हमको रखना है यहाँ पे, इसको होते रहते हैं। साउथ इंडियन जो डिश है इसमें सबसे ये जो चिकन के बहुत सारे आइटम होते हैं, इसमें से चेटीनाड चिकन जो है मेरा सबसे बड़ा अच्छा
फेवरेट डिश है जिसमें से, और बहुत सारे वेज भी डिश होते हैं, पोरियल है, अबियल है, ऐसे सारे बहुत सारे जो साउथ इंडियन डिश है वो मेरे तो सबसे फेवरेट है। और साउथ इंडियन डिश अब साउथ में अगर जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो आपको साउथ इंडियन डिश जहाँ भी जाए आप फिश में चिकन में, तो आपका डिफरेंट डिफरेंट जो टेस्ट लगेगा वो, तो उसमें से एक डिश है चिटिनर चिकन। तो हम फिर इसको हम लोग गर्म कर रहे हैं। अब ऑलरेडी मेरा जो मसाला जो है रोस्ट हो चुके हैं और इसको मैं निकालूंगा। इसमें ऑनियन देने का ये रीज़न है जो है, ये जो पेस्ट मैंने करूंगा तो ये पेस्ट स्मूथ हो, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें ऑनियन ऐड कर दिया। और इसको मसाला को हम लोग थोड़ा सा ठंडा भी कर चुके हैं, तो ठंडा करने के बाद, क्योंकि आप अगर गर्म मिक्सर में दे देंगे तो मिक्सर ख़राब हो जाएगा, ख़राब होने के बाद आपका जो है पूरा काम बिगड़ जाएगा। तो इससे चल रहे हैं, इसको निकालते हैं हम लोग सारे मसाले को इसमें डाल देंगे। ये मैंने निकाल लिया है, थोड़ा सा पानी देके इसको पेस्ट करके के रख दीजिए। चलिए हम लोग तेल लेंगे। पहले नॉर्मली तो जो तेल है हमारे पास कोकोनट ऑयल तो नहीं होगा, इसलिए हम लोग सरसों तेल लिया थोड़ा सा। मेरे पास एक किलो चिकन है, मैंने 100 ml जो है सरसों का तेल लिया है इसमें। तेल मेरा गर्म हो चुका है और मैं इसमें दूंगा मेथी, गोटा मेथी थोड़ा सा। लाल मिर्च, सरसों 1 teaspoon मैंने दिया है, थोड़ा गर्म मसाला मैं देता हूँ गोटा। लौंग, सिनेमन स्टिक मैंने डाल दिया तोड़ के, और करी लीव। मैंने जो करी पत्ता दिया वो धो के था, इससे थोड़ा सा तेल छिटक गया, कोई बात नहीं है। तो ये जो मेरा ये गर्म हो चुका है, इसके बाद हम लोग देंगे इसमें ऑनियन। 4 मैंने बड़े ऑनियन लिया हूँ उसमें, मेरे से 1 किलो चिकन है तो मैंने 4 बड़े ऑनियन मैंने काट के इसको फ्राई करना है। और ये जो है ना आपका चिटिनर चिकन, ये मैं अपना होटल में भी जो है, मैं जो होटल में सेफ हूँ वहाँ भी मैंने ये मेनू डाला हुआ हूँ, और सिर्फ साउथ इंडियन गेस्ट के लिए नहीं, नॉर्मल गेस्ट के लिए जो बाहर से आते हैं, वेस्ट बंगाल छोड़ के भी, कलकत्ता का छोड़ के भी जो लोग आते हैं, दिल्ली से, बॉम्बे से, बिहार से, तो सबको के लिए ये डिश मैं रखता हूँ अपना मेनू में। जो कॉन्फ्रेंस पार्टी होता है तो उसमें से एक है जो मैंने एक वीक में मैं कभी रखता हूँ साउथ इंडियन डिश, कभी चाइनीज़, तो उसमें से जब साउथ इंडियन डिश में डालता हूँ उसमें से एक चीज़ मैं ज़रूर डालता हूँ, ये है चिटिनर चिकन। तो अनियन मेरा हल्का हल्का फ्राई हो रहा है, उसको फ्राई जब तक हल्का ब्राउन ना हो जाए उसको हमको फ्राई करना है। अब देख रहे हैं हल्का सा ऑनियन जो है लाइट ब्राउन हो चुका है, और इसमें 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट मैं इसमें डालूंगा। अब ये जो जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने डाला है इसमें, ये थोड़ा फ्राई हो जाना चाहिए,
क्योंकि जिंजर गार्लिक का एक जो स्मेल होता है, जब तक ये रिड्यूस नहीं हो पाएगा तब तक उसको आपको थोड़ा सा फ्राई करना पड़ेगा इसमें। अब ऑलरेडी जिंजर गार्लिक जो है फ्राई हो चुका है, उसमें से हम लोग ऐड करेंगे टमाटो बारीक कटा हुआ, जो ये ग्रेवी को ठीक करने में मुझे हेल्प करेगा। इसमें हम लोग देंगे धनिया पाउडर एक स्मॉल चम्मच, थोड़ा सा जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, नमक आप बाद में भी, पहले आप टेस्ट अनुसार से दे सकते हैं, उसके बाद भी आप नमक यूज़ कर पाइएगा, क्योंकि अगर पहली बार आपका नमक ज़्यादा पड़ गया तो पूरा खाने का टेस्ट खराब हो जाएगा, क्योंकि मेन चीज़ है खाने का नमक। अब मैं इसमें चिकन ऐड करूँगा, जो मैंने चिकन है ये मैंने इसमें सारे चिकन डाल दूँगा, है डाल दिया हूँ चिकन। ये चिकन का जो पानी है ना उसमें पूरा मसाला फ्राई होगा, जो अनियन है, जो जो यह मसाला सब्जी है ना, मसाला जितना सब डाले हैं, ये ऑलरेडी हल्का सा पक चुका है। अब इसमें हमारा थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए इसमें से हम लोग थोड़ा कलर को ब्राइट करने के लिए थोड़ा सा रेड चिली कश्मीरी चिली पाउडर में ऐड कर लूँ, उसको हिला दूँगा थोड़ा सा, देख रहे हैं थोड़ा सा कलर जो है कलर ला रहा है। अब इसके बाद हम लोग सबसे जो हम लोग जब मसाला जो पेस्ट किए थे वो है ये सारा मसाला, ये ग्रेवी में डालेंगे। ये थोड़ा मैंने पानी से पेस्ट किया है, अब इसको अच्छा से मिलाना है। चलाना है अच्छे से, जब तक ये तेल नहीं छोड़ेगा तब तक इसको हिलाते रहना है। मैंने चिकन को थोड़ा ढक के रख दिया था 15-20 मिनट, अभी मैं उठाता हूँ उसको ढक्कन। हमारा ऑलरेडी चिकन तो तेल छोड़ चुका है, हम तो हिला देंगे इसमें। ऑलमोस्ट चिकन पक चुका है हमारा, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, जो है हमने साउथ इंडियन डिश बनाया लेकिन इसमें इमली पानी नहीं दिया हमने, तो थोड़ा सा हम लोग इमली पानी इसमें ऐड करते हैं। देखिए ये चिकन ऑलरेडी हो गया है, थोड़ा इमली पानी हम लोग थोड़ा बना चुके हैं इसको, थोड़ा सा इसमें इमली पानी इमली रस पानी हम लोग दे चुके हैं, क्योंकि आगे हम लोग नहीं दिए, क्यों कि इमली खट्टा है जो चिकन को पकने नहीं देगा। चिकन सॉफ्ट नहीं होगा इसलिए हम लोग क्या किए लास्ट में इमली पानी ऐड किया हम लोग, इसको ऑलमोस्ट हमारा जो चिकन है रेडी हो चुका है। चिकन हो चुका है, अब हम लोग छोटा सा प्लेट में इसको थोड़ा गार्निश कर दे, क्योंकि आप लोग जानते हैं होटलियर जब है हम लोग सेफ लोग, तो थोड़ा बिना गार्निश के बिना प्लेटिंग करके हम लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जो खाने का जो पहला प्रेजेंटेशन है ना वो पहला आता है देखने से,
लेकिन ये कुछ समय का है, लेकिन टेस्ट जो है इसका वो पहला रहना चाहिए। इसमें हम लोग ऐड करेंगे दानिश का चला, थोड़ा करी लीव्स और दो हरी मिर्च। ये हमारा चिकन रेडी है।